हमारे देश में आज भी एक ऐसा मंदिर है जहां आज तक कभी पूजा नहीं हुई है, जहां आज भी रात होते ही नाच करती हैं आत्माओं के पायल की झनकार सुनाई देती है। आपको यह सब सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है, पर यह सत्य है। आप यह भी सोच सकते हैं कि वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी के युग में कैसी आत्मविश्वासी बातों को फैलाया जा रहा है, मगर ये सच है। बताते हैं आपको उस मंदिर के बारे में जो एक मंदिर तो है लेकिन आज तक वहां कभी पूजा नहीं हुई। कोणक अर्श शब्द कोण और अक्ष शब्द के मेल से बना है। अक्ष शब्द का अर्थ होता है सूर्य, जबकि कोण का मतलब कोने या किनारा। कोणक का सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले के कोण अर्क नामक कस्बे में स्थित है। वहां कई इतिहासकारों का मत है कि कोणार्क मंदिर के निर्माता कर्ता राजा लंकुल नृसिंह देव की अकाल मृत्यु के कारण मंदिर का निर्माण कार्य अधूरा रह गया था, जिसके कारण अधूरा ढांचा ध्वस्त हो गया था। लेकिन उस मत को ऐतिहासिक आंकड़ों का समर्थन नहीं मिलता है। पुरी के मदल पंजी के आंकड़ों के अनुसार और कुछ 1248 इको ब्रह्मपत्रों से पता चला कि राजा लंकुल नृसिंह देव ने 1242 तक शासन किया। कई इतिहासकार उस मत के भी हैं जो कि कोणार्क मंदिर का निर्माण 1243 से 1260 तक के ईस्वी के बीच हुआ था। अतएव मंदिर के अपूर्ण निर्माण का इसके ध्वस्त होने का कारण होना दक संगत नहीं है। कहा जाता है हेड इंडिया इसले ऑफ मिसडीज उसी के मद्देनजर रखते हुए आज हम आपको बताएंगे कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में। कोणार्क में उन पर्यटकों के लिए बहुत कुछ है जो यात्रा के अलावा कुछ खास और रोचक की तलाश करते हैं। कोणार्क का पूरा सूर्य मंदिर कमुकता को भी एक नई परिभाषा देता है। वहां बनी मूर्तियों में बड़ी ही खूबसूरती के साथ काम और सेक्स को दर्शाया गया है। वहां बनी मूर्तियां पूर्ण रूप से यौन सुख का आनंद लेती दिखाई गई हैं। उन मूर्तियों को मंदिर के बाहर तक ही सीमित रखा गया है। ऐसा करने का कारण यह बताया जाता है कि जब भी कोई मंदिर के गृह में जाए तो वो सभी प्रकार के सांसारिक सुखों और मोह माया को मंदिर के बाहर ही छोड़कर आए। कोणार्क का मंदिर मंदिर में लगा चुम्बक संध्या के बाद नृत्य करती हुई आत्माओं के पायल की झनकार। आत्महत्या मंदिर होते हुए भी आज तक पूजा का ना होना, ये सब वो बातें हैं जो अक्सर लोग जानना चाहते हैं, जो हर उस व्यक्ति को कोणार्क के जाने के लिए प्रेरित करेगी जिसके अंदर कवि दंतियों को जाने की चाह और रोमांच का मजा लेने का साहस होता हो, वो वहां जाना जरूर पसंद करते हैं। कोणार्क के सूर्य का निर्माण लाल बलुआ पत्थर एवं काले ग्रेनाइट पत्थर से 1236 से 1264 में गंग वंश के राजा नृसिंह देव द्वारा बनवाया गया था। वह मंदिर भारत की सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक माना जाता है और मंदिर को वो रथ का स्वरूप देने के लिए मंदिर के आधार पर दोनों और से एक जैसे पत्थर के 24 पहिए भी बनाए गए थे। पहियों को खींचने के लिए 7 घोड़े बनाए गए थे। उन पहियों का व्यास 3 मीटर होता है। उसे यूनेस्को द्वारा सन 1944 में विश्व धरोहर स्थल घोषित भी किया गया था। कलिंग शैली में निर्मित यह मंदिर सूर्य देव के रथ के रूप में निर्मित है और उसको पत्थर पर उत्कृष्ट नक्शे द्वारा बनाया गया था, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है और सुंदर ही बनाया गया था। संपूर्ण मंदिर स्थल को एक 12 चौड़ी चक्रों वाले 7 घोड़ों से खींचे जाते सूर्य देव के रथ के रूप में बनाया गया था। मंदिर अपनी कमुक मुद्राओं वाली शिल्पाकृतियों के लिए भी बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट। Oh.